अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हज़रात की खिदमत में आज फिर से हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीवर्स, गठिया रोग, गठिया वात और जॉइंट पेन, अगरचे यूरिक एसिड की वजह से आपकी हड्डियाँ बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन में इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इससे शिफा मिलेगी और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वीवर्स, नुस्खा कौन सा है आप नुस्खे को सुन लें, और इतने आसान इंग्रेडिएंट्स आपको बताने वाला हूं कि ये आपको पेन किलर से छुड़ा देगा और आपको कंटिन्यू के इस्तेमाल से राहत मिलेगी। ये नुस्खा इस्तेमाल अगरचे आप करते हैं तो वीवर्स, नुस्खा कौन सा है, इस तरफ चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगरचे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अब तक के आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आपको फौरी मिल जाए। तो आपको करना क्या है वीवर्स, नुस्खा नोट कर लें आप। आपको लेना है सौंठ, जिसको सूखी हुई अदरक कहते हैं, स्किन पर आप देख रहे होंगे अदरक को जब सुखा लिया जाता है तो उसको सौंठ कहते हैं। ये लेना है आपको 50 ग्राम, और सौंठ 50 ग्राम लेकर इसका अच्छे से पाउडर बना लें, कपड़े से छान लें। उसके बाद में आपको हल्दी, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारे किचन में अवेलेबल मौजूद रहती है, हल्दी भी आप जो लें तो पैकेट वाली ना लें, खुली ना लें, बल्कि आप किलो दो किलो लाकर पिसवा लिया करें। ये ओरिजिनल कि आपको पहचान बता रहा हूँ, ओरिजिनल आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं रहेगी तो नुस्खा भी आपका पावरफुल बनेगा। तो हल्दी का पाउडर आप पिसा हुआ ले लें 50 ग्राम। ये दो चीज़ें आपने ले ली। उसके बाद में फिर आपको पूंछ बीच आपको सफ़ेद वाली लेनी है 50 ग्राम। ये तीनों का पाउडर बना लें, सफ़ूब बना लें। और ये पाउडर बनाने के बाद में अब आ जाते हैं इसके मकदार ख़ुराक की तरफ के आप इस्तेमाल उसको कैसे करेंगे। तो आपको आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के एक घंटा बाद में पानी से इस्तेमाल करना है। आपको कंटिन्यू 21 दिन इस्तेमाल करके देखना है कि आपके दर्द में, जो शरीर में आपके दर्द होता था, जॉइंट में दर्द होता था, गठिया रोग आपको परेशान करता था, कितने परसेंट आपको फ़ायदा मिला। इंशाल्लाह ये आपको 75% फ़ायदा 10 ही दिन में दे देगा। और कंटिन्यू उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस्तेमाल करें और घर पर ही बनाएं, और फिर इसी के साथ साथ अगरचे आपको सूजन वगैरह आती है उसमें भी काम करता है, लीवर और पेट की समस्या में भी नुस्खा अच्छे तरीके से काम करता है। तो बनाइए व्यूअर्स, और फिर इसी के तरीके से आपके सामने दूसरी वीडियोस आते रहेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।